बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश प्रसाद और आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया है और हमें बोला है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके ऊपर हमें और जो पॉइंट्स दिए हैं उसको हमें ड्रॉ करना है। तो बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 है उसको चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। यानी हमें तो पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, वो क्या होगी, एल होगी। ठीक है, ये लाइन हमें एक ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एल। मैंने इसको एल मान लिया, ठीक है, ये हमारा एक लाइन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, इस पे एक पॉइंट ए लेना है। ठीक है, हमें देखो बोला है इसमें क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल, हमने लाइन ए एल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या बोला है हमें, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन। ठीक है, हमें पॉइंट ए लेना है, ठीक है, एल से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, ये हमारा एक पॉइंट हो गया ए। अभी आगे क्या बोला है हमें, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, यानी हमें पॉइंट ए से एल को क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर लेंगे तो हमें क्या होगा, इसके इक्वल डिस्टेंस हमें यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे इक्वल डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो जो हम अगर लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे वो क्या हो गया, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये आपको समझ गया। अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो एक पॉइंट ले लिया, अभी हम क्या करते हैं, इसके जो लाइन एल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, टेक अ अनदर पॉइंट ऑन एल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं। तो अगर L पे हम एक और पॉइंट लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, B। हमने यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, अभी हम क्या करते हैं, यहां से इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अभी आपको क्या करना है, दोनों जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो सेम इक्वल मेजरमेंट के दो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अभी हमें क्या करना है, अभी हम ये लाइन को अगर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, अभी हमारे पास ए है तो हम इसको क्या कर देते हैं, एम दे देते हैं, ये बी है तो ये हम किसको क्या दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये इक्वल डिस्टेंस से इसके समांतर, यानी इसके ये दोनों लाइन को टच होके मुझे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन हमारा हो गया, ये लाइन मेरा कौन सा हो जाएगा, M। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा AM है, ये हमारा क्या है, एक दूसरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये वाले लाइन को भी ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये भी 90 डिग्री का फॉर्म एंगल फॉर्म करेगा और ये भी कितना, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपको समझ गया। अभी उसके बाद हमने जो दूसरा पॉइंट लिया था, इसमें भी ये दोनों एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेंगे और ये दोनों एंगल भी क्या करेंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। यानी अगर ऊपर नीचे दोनों अगर 90 डिग्री अगर कोई भी एंगल फॉर्म करता है तो जो लाइन होगा वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम इक्वल डिस्टेंस होगा और वह एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये वाला लाइन जो लाइन एल है, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, किसके पैरेलल है, लाइन एम के। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये तो खत्म हो गया। अभी इसमें और दो क्वेश्चन है, वो भी दो क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। अभी जो हमारा इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन है, बस उसमें क्या डिफरेंस है, वहां पे पहले ए पॉइंट दिया था, अभी हमें कौन सा पॉइंट दिया है, टी पॉइंट दिया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल। तो हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा एल हो जाएगा। ठीक है,
ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है इसके लाइन के ऊपर, एल के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया टी, तो हमने यहाँ पे एक टी पॉइंट ले लिया। अभी हमें क्या करना है, यहां से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, यानी एल के एक परपेंडिकुलर लाइन हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि दो हमने क्या किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। परपेंडिकुलर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस में दोनों जो लाइन होता है उसको डिवाइड करता है, ठीक है, और दोनों की जो बीच की दूरी है वो भी क्या होता है, सेम होता है। अगर दोनों के बीच की अगर दूरी, अगर किसी भी दो लाइन के बीच की अगर दूरी है, अगर वो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो पॉइंट होंगे एक दूसरे लाइन पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हमें इसी तरह यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी हम दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, हम क्या करते हैं इसको एस नाम दे देते हैं। अभी इससे भी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये आप जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इसके लाइन को दोनों को टच होते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एल, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो दो पॉइंट, दो लाइन खींचे थे एल और एम, ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे ये हमारा एक पॉइंट हो जाता है टी एम एक लाइन, और दूसरा है एस एन, ठीक है, ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल और एम एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जो पॉइंट हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें बस यही करना था। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें क्या करना है, एक सेंटीमीटर दिया है यानी मेजरमेंट दिया है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। और जो बाकी दोनों क्वेश्चन थे उसमें हमें कुछ मेजरमेंट नहीं दिया था, हमें अपने अकॉर्डिंग क्या करना था, उसको कंस्ट्रक्ट करना था, उसको बनाना था। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हमें जिस तरह से दोनों क्वेश्चन में था, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। वो लाइन क्या है, इसमें एम है। तो हम क्या करते हैं, इस बार ऊपर ना ड्रॉ करके इसको नीचे ड्रॉ करते हैं, एम वाले लाइन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एम लाइन है, ठीक है। ये हमें जिस तरह से इसमें क्वेश्चन में बोला है, हमने उस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्या बोला है, इसमें ड्रॉ अ लाइन एन विच इज द पैरेलल टू द लाइन एम एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी हमें क्या करना है, ये वाले लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जो हमारा कौन सा लाइन होगा, एन वाला, और वो कितना होगा, इससे कितना डिस्टेंस होगा, 4 सेंटीमीटर का इसको डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई भी लाइन को अगर हमें 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये लाइन पे हमें दो पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, हमारा ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है, जो हमारा स्केल होता है उसमें हमें मेजरमेंट दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, उस स्केल की मदद से हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जहाँ 4 सेंटीमीटर मिलते हैं वहां तक हम क्या करेंगे, एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से भी सेम वही करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस दिया है, एक ही मेजरमेंट दिया है, वो कितना है हमें, 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें 4 सेंटीमीटर का एक और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ड्रॉ कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ ये दो लाइन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अभी ये दोनों लाइन क्या हो गए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पॉइंट है उसको हम जोड़ देंगे एक लाइन से, और ये जो हमारा लाइन था वो कौन था, एन था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, तो हम क्या करते हैं इसको नाम दे देते हैं एम और एन। तो ये हमारा जो दो लाइन क्या हुआ, हमने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उस परपेंडिकुलर का जो मेजरमेंट था वो कितना था हमारा, 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया किसमें, स्केल में, और वहाँ पे दो पॉइंट बनाए, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट। फिर उसको हमने क्या किया, जो हमारा लाइन था एम है
उसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया उस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और पैरेलल लाइन क्या था, एन पैरेलल लाइन था। तो यह हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.3 था, इसमें बस यही एक बेसिक चीजें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।